तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। और आज हैं अभी हम नुब्रा वैली में, और यहाँ पे देखिए सुबह 5:45 का क्या है नज़ारा। अमेजिंग व्यूज है, ये देख सकते हैं। ये देखिए मेरे पीछे देख सकते हैं, सनलाइट पड़ रही है माउंटेन्स पे, तो वो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। तो देख सकते हैं आप पीछे। तो आज की हमारी जो जर्नी रहेगी वो रहेगी सियाचिन तक। तो नुब्रा वैली से। तो नुब्रा वैली से आज हम जाने वाले हैं कहाँ पर? सियाचिन बॉर्डर पे। तो सियाचिन बॉर्डर पे हम देखेंगे क्या दिखता है वहाँ पे LOC पे। तो वहाँ पे देखेंगे अमेजिंग जो है वहाँ से क्या क्या चीज़ दिख पाती है अपने को। बट हाँ, पूरा ट्राई करेंगे। और यार ये जो व्यू दिख रहे हैं ना मेरे को, बहुत ही अमेजिंग है। थोड़ा सा फोकस नहीं हो पा रहा है ढंग से, तो देख सकते हैं यार बहुत ही अमेजिंग व्यूज है। और यहाँ की प्रॉपर्टी बताऊँ तो यार अमेजिंग रहा। और रात को बारिश भी हुई, और बारिश देखी, ये जो टेंट थे हमारे, जो हम इन टेंट में रुके थे, तो उसमें बहुत तेज जो बारिश की जो आवाज़ थी वो बहुत तेज थी। और मैं दिखाऊँ आपको 360 का व्यू, तो देख सकते हैं मेरे यहाँ से पीछे का, देख सकते हैं 360 का व्यू। तो ये है यहाँ से 360 का व्यू। और यहाँ से निकलते हैं यार, सियाचिन भी जाना है ना यार, सियाचिन बॉर्डर देखना है। तो यहाँ से सियाचिन बॉर्डर निकलते हैं और देखते हैं आगे के लिए। रास्ते के नज़ारे दिखाऊंगा कैसे लगेंगे आपको, वो कमेंट करके जरूर बताना। और मिलते हैं सीधे यार। क्या ही नज़ारे हैं यार, अमेजिंग यार। ये जो फील है ना, ये सामने जो दिख रही है और धूप आ रही है, पर्सनली बताऊँ तो। और सुबह के अभी टाइम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, सुबह 6:30 हुआ, 6:30 के अकॉर्डिंग बहुत ही प्यारा यार, बहुत ही अमेजिंग वाला जिसे बोलते हैं वो वाले व्यूज आ रहे हैं। तो इधर के आप दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यार, अमेजिंग व्यूज है, अमेजिंग यार। दिल खुश हो गया यहाँ पे, मतलब मॉर्निंग में सबसे बड़ी बात, जैसे ही आप टेंट से निकलते हैं आपको इतना प्यारा व्यू दिख जाए तो यार आपका दिल ही बन जाता है। तो वही वाला हमारे साथ हुआ है कि देख के यार यहाँ पे अपना दिन बन गया, मजा आ गया पूरा का पूरा। तो और देख सकते हैं सामने जो है हिल्स, और हम भी धूप में आ गए थोड़े, हम भी गर्म हो जाएंगे यार, ठंड लग रही है। सही बताऊँ तो इनर विनर सब कुछ पहना हुआ था, बट फिर भी थोड़ी बहुत तो ठंड लगती है। और हम भी इसी तरीके से आगे निकलते हुए जा रहे हैं, और जो है वाइजर लगा के चलाते हैं, थोड़ा सांस लेते हैं, तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का स्मोक भी जम रहा है वाइजर पे, इतनी ठंड है। तो यार अमेजिंग है यार। तो यार अब हम अपने जर्नी के लिए निकल पड़े। और ये देखिए ये जो सामने के नज़ारे है, बहुत ही अमेजिंग वाले हैं, बहुत ही जबरदस्त वाला। दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ, ये देखिए बादलों के बीच में पहाड़ों पे कैसे बादल के जो छाव लगी हुई है कहीं कुछ है। तो बहुत ही अमेजिंग व्यू आ रहा है। तो मेरे को सही बताऊं तो मेरे को तो यार प्यार हो गया इस वैली से, बहुत ही अमेजिंग है यार। वहाँ देख सकते हैं बादल कितने नीचे आए हुए हैं, बहुत ही ज्यादा नीचे पहाड़ों पे है देखिए बादल। तो यार दिल खुश हो जाता है ऐसी वैली में आके। तो मेरे को पर्सनली बताऊं तो यार वैली से निकलते ही अमेजिंग व्यूज है, और ये व्यूज आपको देखने को मिलेंगे अपने चैनल पे और जो है इंस्टाग्राम पे।
तो दोस्तों देख सकते हैं अब हम यहाँ से करने वाले हैं वाटर क्रॉसिंग। तो देख सकते हैं नईम का जो है शूज जा चुका है यहाँ पे, तो हम भी यार वाटर क्रॉसिंग करने में, थोड़ा मॉर्निंग का टाइम है और ठंड वैसी हो रही है, और ये है अपनी फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये हम लेंगे यहाँ से, लेंगे नईम वहाँ से लेगा, मैं यहाँ से जाता हूँ, थोड़ा गहरा है कोई बात नहीं, बट हाँ यस वी डिड इट, मैंने कर दिया। तो यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं, फाइनली हमने कर दिखाया। तो नईम ने भी निकाल ली बाइक, देख सकते हैं ऐसे बाइक निकल चुकी है। तो यार अमेजिंग है यार, ये जो कुछ जगह है मजा आता है यार। अपने मतलब हम जिस काम के लिए सोच के आते हैं यार, वाटर क्रॉसिंग फाइनली एक वाटर क्रॉसिंग अपने को मिल गई यार, मजा आ गया वाटर क्रॉसिंग पे। हम अंदर नहीं घुसे, मतलब ज्यादा पानी तो बहुत था बट अपना शूज नहीं गया, नहीं गया वहां पे शूज चला गया था। और यहाँ देख सकते हैं ये भी एक वाटर क्रॉसिंग ही है, इसको थोड़े साइड से निकाल लेते हैं क्योंकि हम नीचे आएंगे हमारे जो इतनी ठंड में कपड़े और शूज गीले हों, क्योंकि अगर गीले हो गए तो सूखेंगे भी नहीं यार। और यहाँ से चलते हैं यार आगे की तरफ। किलोमीटर कुमार पोस्ट 112 किलोमीटर। तो हम जो जा रहे हैं वह है सियाचिन बेस कैंप पे, जो है 52 किलोमीटर यहाँ से। तो अभी जो है अराउंड 1 आवर से ज्यादा लगेगा यहाँ पर हमारे को। तो हम निकल पड़े हैं अपनी जर्नी की तरफ जो कि है सियाचिन बॉर्डर। थोड़ा स्पीडली ले जाते हैं, टाइम से पहुंचेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं हम शायद इस ब्रिज से पार करेंगे या नहीं करेंगे, बट यहाँ से ही रास्ता ही है तो अपने को जाना है इसी ब्रिज से। तो आई थिंक ब्रिज तो बंद होगी, तो हमारे को उस वहाँ की साइड नहीं, ये ब्रिज अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो यहाँ से जो है आई थिंक टूट गया होगा कनेक्टिविटी। तो हमारे को जो जाना है वो जाना है इस तरफ। तो देख सकते हैं कि कितना उस पर काम चल रहा है यहाँ से। तो देख सकते हैं ये वाला ब्रिज है, अपने को यहाँ से जाना है, यहाँ से लिखा हुआ है देखिए LOC। मैं आगे पढ़ के दिखाता हूँ, LOC 60 किलोमीटर और जो है स्पैन 80 फीट, ये इस तरीके से लिखा है। यहाँ से जो है ज्यादा दूर नहीं, 60 किलोमीटर रह गया है यहाँ से अपने को सियाचिन। तो नीचे से देख सकते हैं कितना ही बढ़िया, और ये लोहे का ब्रिज है, आर्मी का बना हुआ ब्रिज लग रहा है ये अपने को। और यहाँ से देख सकते हैं नीचे के नजारे, पानी ये कितनी स्पीड में जा रहा है। तो देख सकते हैं ये पहाड़ से जो पानी आ रहा है ये पूरा का पूरा ऊपर से आ रहा है। नजारे एक नंबर है, नजारे कैसे हैं? एक नंबर। तो हाँ बस हम ही दोनों जा रहे हैं, बाकी सब आ रहे हैं यहाँ से। तो पूरे रोड पे अभी तक हमारे को हम ही जाते हुए दिखाई दिए हैं यहाँ पे जो है, और हम भी जा रहे हैं। अच्छा ये आई थिंक ये ब्रिज बन रहा है आने वाले टाइम में, ये वाला जब ब्रिज चालू हो जाएगा तो ये वाला कट बंद करके वही वाला स्टार्ट रहेगा। काफी मतलब काम जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग देखते हुए, और बहुत बढ़िया है। और यहाँ से रह जाए सासरेला 52
चांगलिन 4 किलोमीटर और बेस कैंप 47 किलोमीटर। तो हमारे को जाना बेस कैंप 47 किलोमीटर है अभी यहाँ से। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो काम कितने चल रहा है स्पीडली यहाँ से। आई थिंक ये जो नीचे से जा रहा है रास्ता यहाँ से जाएगा वो। और हम लोग भी जा रहे हैं, वो देखिए हमारे सभी हमारे जवान जा रहे हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, हम पहुंच चुके हैं ओपी बाबा के मंदिर। तो देख सकते हैं ये जो है यहाँ पर थे और यह है बाबा का मंदिर। अभी हम अंदर भी जाएंगे, वहाँ पे दर्शन करेंगे और इनकी कहानी भी मैं बताऊंगा क्या है। और यहाँ से आसपास देख सकते हैं तो ये जो नज़ारे हैं, ये यहाँ से इस जो हिल्स के पीछे है वो होता है पाकिस्तान बॉर्डर है। पाकिस्तान मतलब इन पहाड़ों के पीछे पाकिस्तान दिखता है और ये जो हिल्स हैं इन हिल्स के पीछे पड़ता है अपना चाइना बॉर्डर। तो दो देख सकते हैं दोनों के दोनों जो हैं यहाँ पे बॉर्डर दोनों के दोनों ही हैं। ये देख सकते हैं हम पहुँच चुके हैं ओपी बाबा के मंदिर जो है सियाचिन बिल्कुल बॉर्डर पे। और यहाँ से आगे थोड़ा मिलिट्री एरिया शुरू हो जाता है तो सिविलियंस के लिए यहीं तक है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तो ये हैं देखिए ओपी बाबा जिनके नाम पर मंदिर बनाया गया। और जैसा कि यहाँ बताया गया था ये अपनी जो है ड्यूटी करते करते जो है कहीं जो बताते हैं कि बर्फ में दब गए थे जिनके वजह से। और फिर उन्होंने बताया कि ये कम से कम 5-6 महीने बाद बाबा मिले थे यहाँ पे और उनकी फैमिली वो सब कुछ त्याग के यहाँ पे आके अपनी जो है सन्यासी का जीवन जीने लग गए। तो जब से बाबा को जो है यहाँ पे ओपी बाबा का मंदिर बना हुआ है और बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है बाबा का मंदिर इतने ऊपर आके बहुत बढ़िया लग रहा है। इधर आके दिल खुश हो गया। और बाकी के दिखाते हैं आपको बाहर के नज़ारे क्या होंगे यहाँ से। अबाउट सियाचिन थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर है। और जैसा कि मेरे को पता चला कि यहाँ जो है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पे जो है नवंबर दिसंबर में यहाँ पर 50-50 फुट तक बर्फ़ पड़ जाती है। और यहाँ जो ऊपर है ऊपर सारे हमारे पोस्ट हैं इंडियन, तो वहाँ पे बताते हैं 70-75 फुट तक हमारी जो है स्नो हो जाती है। यहाँ पे बहुत ही टफ है मतलब रहना। अभी तो मौसम अच्छा है बट बता रहे थे कि अभी जुलाई सितंबर 1st वीक के बाद यहाँ पे जो है एंट्री बिल्कुल मना हो जाती है। और यहाँ देख सकते हैं आप कुछ नज़ारे देख सकते हैं। ये जो हमारे जो है पूरी की पूरी जर्नी दिखाई गई है। और यहाँ हमारा आर्मी एरिया बहुत ही मजबूत है। और हम देख सकते हैं आप लोग क्या हम लोग यहाँ अंदर जाएंगे। आई थिंक बंद है अभी तो बंद है तो अंदर आप देख सकते हैं। ये देखिए ये है एनवी सब बाना सिंह जी पीवीसी। और ये देखिए ये सारा का सारा आपको दिखाई दे रहा होगा इधर से पूरा का पूरा देख सकते हैं आप। तो ये देख सकते हैं पूरे के पूरे यहाँ से अंदर के जो है फील्ड। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप ये यहाँ बना हुआ है पूरा का पूरा लोहे का ब्रिज जिसे कि आप यहाँ से दिखाते हैं। ये देखिए लोहे का ब्रिज है, इस पर हम चलते हैं तो दिखाऊं। तो ये देखिए आपको वॉइस जो आ रही है तो देख सकते हैं ये बहुत ही अमेजिंग व्यू है इस पे ब्रिज पे से पूरा का पूरा। बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है यार। यहाँ देख सकते हैं यहाँ के आसपास के नज़ारे। मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ जो है पूरा का पूरा जो है यहाँ पे
जो दिख रहा है आपको, ये पूरा एलओसी है। तो एलओसी में जो है आप देख सकते हैं इन पहाड़ों के पीछे, काफी पहाड़े होंगे मगर उसके पीछे जो है अपनी चाइना की, मतलब ये जो है चाइना की पोस्टिंग है यहाँ पे, और चाइना की पोस्टिंग है यहाँ पे इन पहाड़ों के पीछे। और यहाँ जो है, और इस तरफ जो है, इस तरफ पड़ता है पीओके। तो इस तरफ जो है पूरी की पूरी जो पोस्टिंग है वो है यहाँ से पाकिस्तान की पोस्टिंग है इन पहाड़ों के पीछे। पता नहीं कितने पहाड़ होंगे बट हाँ, यहाँ से पीछे जो है पहाड़ों के पीछे जो है पोस्टिंग है पूरी की पूरी पाकिस्तान की पोस्टिंग। तो देख सकते हैं यार, अमेजिंग फीलिंग है यहाँ पे आने के बाद। यहाँ से जो फीलिंग है ना बहुत ही अमेजिंग है, मतलब अंदर से अच्छा लगता है कि हाँ यार, हमें अभी ऐसी जगह आने का मौका मिला और हम आए भी यहाँ पे, अमेजिंग है यार। और ये देखिए, ये पूरे के पूरे, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो दिखाते हैं, यहाँ जो चाइना था 75 किलोमीटर एरो दिखा रखा है, तो चाइना यहाँ से 75 किलोमीटर इधर से है। तो ये जाते हैं, और के पास भी जो जा रहा है वो इधर से एरो दिखा रखा है, तो यहाँ से वो जाता है। और इंदिरा कोल का जो दिखा रहा है वो इस डायरेक्शन में जाता है, सिया कांगरी का जो है वो भी इस डायरेक्शन में जाता है, और के टू भी इस डायरेक्शन में, और गिलगिट इस तरफ है, और एनजे जो है, एनजे का एरो इस तरफ है। यहाँ तक जो एनजे है ये पाकिस्तान वाली साइड में पड़ता है 25। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो है आर्मी कैंप में जो है यहाँ पर खाए थे समोसा, चाय और छोले भटूरे, जो कि बहुत ही टेस्टी थे। और इस हाई ऑल्टीट्यूड पे आके इतनी चीज़ें मिलना वही बड़ी चीज़ थी यार। अपने पर्सनली बताऊँ तो यार अमेजिंग था यहाँ पे, और आप जो मेरे पीछे चीज़ें देख रहे होंगे वो और भी ज़्यादा अमेजिंग है। मतलब इस हाई एल्टीट्यूड पे आके आपको समोसा, चाय और जो है सारी चीज़ें मिल जाती है, छोले भटूरे, तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। आपको खाने की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, घूमने फिरने आए यार बहुत बढ़िया लगेगा। और मैं अपने आसपास का व्यू दिखाऊं तो देख सकते हैं कितने ही शानदार व्यू है मेरे आसपास का, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यह देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग है यार, बहुत ही शानदार है। और मेरे पीछे जो है वो है चाइना, यहाँ से कुछ पहाड़, मतलब जितने भी है 45 किलोमीटर अराउंड साइड चाइना है। और यहाँ है पीओके, सही सुना, पीओके पाकिस्तान, तो यहाँ से पीओके भी है रास्ता। तो यार अमेजिंग फीलिंग है, बढ़िया है यार, बढ़िया लगता है। और हवा भी देख सकते हैं बहुत तेज़ चल रही है, इसकी वजह से हमारे जो है ना बाल बाल ऊपर घूमते रहते हैं। तो यही सारी चीज़ है यहाँ पे, और देखते हैं यार आगे चल के क्या है क्या नहीं। और बाकी तो सारी वीडियोस आपको देख ही रहे होंगे यार, मज़ा भी आ रहा होगा आपको। बाकी देखते हैं यहाँ पे कैसे कैसे फोटो क्लिक करवा सकते हैं हम। तो यहाँ पे अपने को जो है ना आई लव सियाचिन, इस पर भी फोटो क्लिक करवाना है। तो बाकी सारे यार फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम आईडी नीचे कहीं तो आ रही होगी, फॉलो कर लो, और नई जो आपको सारी की सारी जो है अपडेट वहाँ पे मिलेगी। और जो अपनी नुब्रा वैली से यहाँ तक की जर्नी थी वो भी बहुत प्यारी रही। अब देखते हैं कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं, और देखते हैं यार कि आगे क्या करना है क्या नहीं। जाना तो आगे है, अब यहाँ से देखेंगे तुक जाना है कहाँ जाना है। बाकी इस वीडियो को यहीं पर एंड कर लेते। तो दोस्तों, अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो नुब्रा वैली टू सियाचिन, और व्यूज़ आपको बहुत ही प्यारे लगे होंगे यार, अमेजिंग है, तो हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।